I shall declare that I am not part of Mirzapur season 3. So many heartbreak. लो भैया मोदिया तुम्हारे थ्योरी पर मिर्जापुर वालों ने, तुम ही बोल रहे थे ना कि मुन्ना भैया कभी लेफ्ट में नहीं राइट में है, अमर है हमारे मुन्ना भैया। सीजन 3 के पहले एपिसोड में ही भस्मासुर जैसा भस्म कर दिया उनको। लेकिन अगर मुन्ना भैया को साइड में रखे तो कुछ लोगों को मिर्जापुर सीजन 3 पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मगर मैं आपको मिर्जापुर की सीजन 4 की स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि सीजन 3 में इतने कुकर्म कांड हुए हैं जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनको सीजन 4 की स्टोरी जाननी ही है। बताओ क्या नहीं हुआ सीजन 3 में, कोई अपनी बीबी के बहन से प्यार कर रहा है तो कोई अपने भैया की बीबी से प्यार कर रहा है। ए, बताओ। और हमारे गुड्डू भैया तो नशे में चूर होकर अपने खुद की सगी बहन के बॉयफ्रेंड को टपका दे रहे हैं। अगर आपको सीजन 4 की स्टोरी समझनी है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर सीजन 3 के एंडिंग में आखिर क्या हुआ और सीजन 4 में हमें मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। तो हमारे इस सीरीज के मास्टरमाइंड सरस शुक्ला बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, मगर एक गलती कर देते हैं कि अपने आसपास के हरामी लोगों पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लेते हैं। सीरीज के एंडिंग में हमारे कालीन भैया सरस शुक्ला को कालीन जैसा लेटा देते हैं एंड बोलते हैं मिर्जापुर के अब यही आखिरी राजा होंगे, इनके बाद कोई नहीं बनेगा। उधर पे जितने भी बाहुबली होते हैं सबको अपने मुन्ना के पास पहुंचा देते हैं। ये सब कालीन भैया माधुरी दीक्षित मतलब माधुरी के कहने पर करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता चल जाता है कि उनके पापा को सरस शुक्ला ने ही निपटाया था। गुड्डू भैया एंड गोलू को वापस से अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि हद से ज्यादा पावर एंड नशा हमेशा नुकसान ही करता है। और अब कालीन भैया ने भी कह दिया है कि मिर्जापुर के गड्डी पर अब कोई भी नहीं बैठेगा एंड वो अपने बच्चे के साथ जो कि उनका है भी नहीं उनके साथ एक कुशल जिंदगी जीना चाहते हैं। लास्ट में हमें मकबूल दिखाया जाता है जो कि त्रिपाठियों के लिए पहले लॉयल तो था, मगर इस सस्ते जॉनी सिंह को मारने के बाद अब ये भी त्रिपाठियों के लिए लॉयल नहीं है। तो सीजन 4 में हमारे गुड्डू भैया एंड गोलू अंडरग्राउंड रहकर ही मिर्जापुर के गड्डी को मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इन दोनों को भी अकल आ गया है कि मिर्जापुर के गद्दी में अब कुछ नहीं रखा है, उसमें बैठेंगे तो फिर से खून खराबा होगा ही। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे कालीन भैया सुधर गए हैं, जो माधुरी बोल रही है वही कर रहे हैं, मगर माधुरी के नाक के नीचे ही रहकर वो मिर्जापुर के गद्दी को वापस से पावरफुल बनाएंगे पहले जैसे। और ये सब वो अपने लिए नहीं करेंगे, अपने बच्चे के लिए जो कि उनका है भी नहीं। अगर सही मायने में कहा जाए तो वो उनका भाई है, जिन्होंने मिर्जापुर देखा होगा उनको पता होगा। इसी बीच मिर्जापुर सीजन 4 में हमें बहुत सारा खून खराबा, आपसी नोकझोंक, पॉलिटिक्स ये सभी देखने को मिलेगी, मगर मुन्ना भैया तो हम सभी को याद आएंगे। भले ही उनका एंड सीरीज में हो चुका है मगर हमारे दिलों में अभी भी वो जिंदा है। और हमारे छोटे त्यागी भी सीजन 4 में गुड्डू एंड गोलू के पीछे पड़ेंगे उनको मारने के लिए, क्योंकि जो कर्मकांड उन लोगों ने सीजन 3 में इसके साथ करके गए है ना, उसका बदला लेने के लिए। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमें मिर्जापुर के सीजन 4 में यही दिखाया जाएगा कि जो हमारे कालीन भैया है वो वापस से मिर्जापुर के गड्डी को पहले जैसा पावरफुल बनाना चाहते हैं, वही दूसरी तरफ गुड्डू एंड गोलू उस गद्दी को मिटाना ही चाहते हैं ताकि कोई भी आपसी भेदभाव या खून खराबा ना हो। मिर्जापुर का सीजन 4 आए या ना आए लेकिन हम इस चैनल पे जरूर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। अगर आपको ये जानना है कि हमारे मुन्ना भैया सीजन 4 में आएंगे कि नहीं आएंगे तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें, एंड अगर आपको ये जानना है कि मिर्जापुर का सीजन 4 कब आएगा तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए AS2 Movies.